में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। राज्यसभा सीट की दावेदारी को लेकर मोहनलाल बड़ोली बोले, मीडिया में जिसका नाम चला उसका नाम कटा, बीजेपी उसका नाम काट देती है जिसका नाम मीडिया चलाती है। ये बड़ा बयान। दरअसल कुलदीप बिश्नोई जो कि लगातार राज्यसभा सीट को लेकर दावेदारी ठोकते नजर आए और आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। केंद्र के तमाम नेताओं से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात, हरियाणा से दिल्ली पहुंचना, प्रधानमंत्री से मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात और बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात, ये बड़ी दावेदारी कुलदीप बिश्नोई पेश करते रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है, जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो, का भी नाम चलेगा। आप लोग जिसका नाम चला दोगे सोच लो उसका नाम कट गया, जिसका कटता है उसका चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी, उसके बाद ये बड़ा बयान किस तरफ इशारा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आज हिसार पहुंचे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक खास बैठक भी उनकी तरफ से ली गई। और दरअसल ये पूरा एक अभियान आप इसे कह सकते हैं, सदस्यता संख्या में इजाफा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं। और यहाँ मोहनलाल बड़ोली से जब ये मीडिया की तरफ से सवाल सामने रखा गया कि जो है संजय भाटिया पूर्व सांसद और इसके अलावा आपका नाम जो है राज्यसभा के लिए जो है सुर्खियों में नजर आ रहा है, साफ तौर से आपके नाम पर चर्चा बहुत ज्यादा है, तब मोहनलाल बड़ोली की तरफ से बात जवाब के रूप में रखी गई। उन्होंने कहा कि जिसका नाम चल जाता है उसका नाम खत्म हो जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी मीडिया में जिसका भी नाम चले किसी भी पद को लेकर या किसी भी जिम्मेदारी को लेकर, तो उसका नाम जो है वो एक एक तरीके से लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम मेरा नाम इस मामले को लेकर मत चलाइए वरना जो है मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊंगा। तो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को उजागर करने की कोशिश यहाँ मोहनलाल बड़ोली की तरफ से की गई थी। वो साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि मीडिया में जिसका नाम चलता है उसका नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है, तो वो खुद लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पूरी कार्यशैली को एक तरीके से खोल कर रखने का काम यहाँ मोहनलाल बड़ोली की तरफ से मीडिया के सामने कर दिया गया और साफ ही बात कह रहे हैं कि जिसका नाम मीडिया में चलता है उसका नाम बीजेपी की लिस्ट में से कट जाता है। तो यकीनन एक कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की है, निर्णय किस तरीके से लिए जाते हैं, उसको उजागर करने का काम यहाँ मोहनलाल बड़ोली की तरफ से किया गया है। जी, अब सवाल ये कि क्या इशारा कुलदीप बिश्नोई की तरफ भी हो सकता है, क्या उनको लेकर भी एक कयास लगाया जा सकता है? क्योंकि जो हमने मैराथन मीटिंगें देखी, अमित शाह से मुलाकात हो, जेपी नड्डा से मुलाकात हो, दावेदारी इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेश करने की बात हो, क्योंकि जहां की उनके बेटे भव्य कमाल नहीं कर पाए उनको भी दरकिनार किया गया, किरण चौधरी को मौका दिया गया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी आज सरकार में एक अच्छा मंत्री पद बड़ा जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो क्या उनके इस बयान को इस तरह से भी लिया जा सकता है? देखिए, साफ तौर से अगर आप प्रत्यक्ष रूप से पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो बार बार जेपी नड्डा से मुलाकात की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो, नायब सिंह सैनी से मुलाकात की बात हो, परिवार सहित मुलाकात कुलदीप बिश्नोई कर चुके हैं। अब अप्रत्यक्ष तरीके से पूरी कहानी को समझने की कोशिश की जाए तो ये कुलदीप बिश्नोई पर भी लागू की जा सकती है कि जो बहुत ज्यादा कोशिशें भारतीय जनता पार्टी में करते हैं वो कोशिशें कभी पार्टी कामयाब नहीं होने देती और ऐसे नाम को उजागर करती है। चाहे मोहनलाल बड़ोली का नाम कोई ले, प्रदेशाध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा कोई नहीं सोच सकता था, नायब सिंह सैनी को जो है प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा तब कोई नहीं सोच सकता था, प्रदेशाध्यक्ष को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा ये कोई नहीं सोच सकता था। मीडिया में भी इस तरह का कोई भी जो है पूर्वानुमान मीडिया में भी नहीं दिया गया था।
कटनल कुलदीप बिश्नोई हालांकि मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम जो है बिश्नोई समाज की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को लेकर देखने को मिल रहा है, मुझे इस बात की कम संभावनाएं नजर आती है कि राज्यसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई संजीदगी यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर दिखाती हुई नजर आएगी। साफ तौर से ये एक कहानी आप वहां पर भी जोड़कर देख सकते हैं कि बार बार जिसका नाम सुर्खियों में आए वो भारतीय जनता पार्टी की संभावित लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो यकीनन कुलदीप बिश्नोई भले ही अपने प्रयासों को और ज्यादा तेज करते हुए नजर आए, लेकिन बिना प्रयासों के ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हासिल हो सकता है, प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। लेकिन जो लोग प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यशैली नहीं है, ये मोहनलाल बड़ोली अपने संदर्भ में भी कह रहे हैं। और अगर इनडायरेक्ट तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में भी कहानी को समझा जा सकता है। बिल्कुल महेश, एक सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये कि हमने देखा हरियाणा में जिस तरीके से जो बागी थे, जो नेता पार्टी को छोड़ के चले गए थे, उनके लिए फुल स्टॉप लगा दिया गया। सीएम सैनी ने खुद ऐलान किया कुछ नेताओं को 6 साल तक के लिए बैन कर दिया कि पार्टी में वापस नहीं आ पाएंगे, कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं नजर आई। अब सवाल ये कि क्या वो जो कार्रवाई की जा रही है वो अहम है, और साथ ही ये जो बयान है बड़ौली का, क्या ये बड़ौली का बयान है या फिर केंद्र नेतृत्व का बयान इसे समझा जा सकता है? देखिए सबसे बड़ा जो पक्ष है वो आपकी तरफ से रखा गया है, सवाल जरूरत का है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय कोई जरूरत नहीं है कि जो लोग बागी होकर यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग सामने खड़े थे चुनाव में और कांग्रेस पार्टी और किसी दूसरे राजनीतिक दल की मदद वो कर रहे थे, जो बीजेपी को हराने में शामिल था वो अब बीजेपी के राज में शामिल होकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। ना तो नायक सिंह सैनी चाहते हैं, ना ही मोहनलाल बड़ोली चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करने वाले लोग थे वो राज का किसी भी तरीके से फायदा नहीं ले पाए, क्योंकि वक्त की इसकी जरूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को आगे चुनावी अग्नि परीक्षा नहीं देनी है, और जहां तक नगर निगम और निकाय चुनावों की बात है तो शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी खुद भी मजबूत है और ना तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती की स्थिति में नजर आ रही है कि चुनाव मुकाबला कर सके, तो ऐसे में और कोई क्षेत्रीय दल मुकाबले की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तो यकीनन अब बीजेपी को किसी तरह की कोई जरूरत ऐसे बागियों की नहीं है, और कभी जरूरत पड़ेगी 5 साल के अंतराल के बाद जब अगली चुनावी परीक्षा होगी तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लोग अपने पुराने संगठन के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा बीजेपी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, बाद में अगर दोबारा से एंट्री की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि दरवाजे ही बंद कर दिए जाएं। तो एक संकेत है, और सबसे बड़ी जो बात है वो जरूरत की है। बीजेपी को ऐसे नेताओं की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, ये तमाम नेताओं को जाहिर भी कर दिया गया है कि अब आएंगे भी तो कोई फायदा नहीं। महेश, ये जो बयान है बड़ौली का, ये केंद्र का बयान माना जाए, शीर्ष नेतृत्व का बयान माना जाए, ये क्या ये मान लिया जाए कि अब ये ट्रेंड चल चुका है कि जिसका नाम चलेगा उसका नाम कटेगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई केंद्रीय नेतृत्व का बयान इसे माना जाए, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को आप इस बयान से समझ सकते हैं। और प्रदेशाध्यक्ष जब अपनी जुबान से कह रहे हैं कि नाम मत चलाइए, नाम चलेगा तो वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, तो यकीनन फिर कार्यशैली को समझा जा सकता है इस बयान से। लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व का बयान हो मुझे ऐसा लगता नहीं है। व्यावहारिक आधार पर वो ये बात कह रहे हैं कि आप देखिए जिसका भी नाम चलता है वो लिस्ट से बाहर हो जाता है, और मेरा नाम अगर चल रहा है तो मुझे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो यकीनन एक साफगोई तरीके से वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नाम चलाने की जरूरत नहीं है, नाम जिसका भी चला वो लिस्ट से बाहर हो गया। महेश, एक सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये कि संजय भाटिया का जिक्र उन्होंने किया, अपना भी जिक्र किया, इनडायरेक्टली कुलदीप बिश्नोई से भी उनके इस बयान को जोड़ा जा सकता है। अब सवाल यह कि राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी किसकी मानी जाएगी? क्या कुछ अंदर खाने कुछ पक रहा है, कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कुछ विचार विमर्श अभी से हो रहा है, हो सकता है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए दावेदारी अगर भारतीय जनता पार्टी में करेंगे तो फिर जो है वो दावेदारी खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने नफे नुकसान के हिसाब से और आगे भविष्य की राजनीति के लिहाज से, जातिगत इक्वेशन के लिहाज से, अब मुझे लगता है कि चूंकि राज्यसभा में किरण चौधरी को भेजा जा चुका है तो किसी जाट के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। ये भी हो सकता है कि अनुसूचित जाति से, चूंकि कृष्ण पवार अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे तो उसी कैटेगरी को एक बार फिर से जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाए, अनुसूचित जाति से ही अगला जो राज्यसभा का सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी चुन ले। अब जो कुछ किया जाएगा वो
चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से किया जाएगा, भविष्य की राजनीति के लिहाज से किया जाएगा। कम से कम इतना तो अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अगला जो राज्यसभा सांसद हरियाणा से चुना जाएगा वो जाट तो नहीं होगा, क्योंकि किरण चौधरी को हाल फिलहाल ही एडजस्ट किया गया है। तो ऐसे में यहाँ जातिगत नफे नुकसान के लिहाज से ही भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला करेगी। हो सकता है कि कोई ऐसा नाम सामने आए जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की और खुद उसे भी नहीं पता हो कि उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि कृष्ण पवार के वक्त हमें देखने को मिला था कि खुद कृष्ण पवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा तक भेज देगी। इससे पहले रामचंद्र जांगड़ा का जिक्र किया जाए तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो किसी की भी सोच और समझ और कल्पना से परे की बात होती है। तो ऐसे में दावेदारी कोई बड़ा सवाल नहीं और दावेदारी करने वालों की कोई हैसियत भी जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं मानी जाती। यहाँ संगठन से जुड़े लोग और रणनीतिकार ये नफे नुकसान के लिहाज से फैसला करेंगे कि किसे भेजा जाए, और उसी के लिहाज से फैसले हुए भी है और आगे भविष्य में इसी तरह से फैसले लिए जाएंगे। दावेदारी के लिहाज से कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। जी बिल्कुल महेश, अब राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि संगठन पूरी तरह से नापतोल कर ही नामों को आगे लेकर आएगा। अब सवाल ये कि जो नाम है जिन पर चर्चा की जा रही है, हमने पहले भी देखा था कि कुलदीप बिश्नोई को साइड किया गया, रणजीत चौटाला को मौका दिया गया था, हालांकि वो चुनाव जीते नहीं थे, उसके बाद किरण चौधरी को मौका दिया गया। क्या ये ट्रेंड आखिर कहता क्या है? क्या ये ट्रेंड ये कहता है कि पिक एंड जो सिचुएशन है वो परिस्थिति के हिसाब से पिक किया जाएगा एंड ड्रॉप किया जाएगा, पिक एंड ड्रॉप की सिचुएशन इसे कहा जा सकता है, या फिर नए चेहरों को सभी के बीच में विश्वास बनाने के तौर पर एक प्रैक्टिकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है हरियाणा की राजनीति में बीजेपी की तरफ से? देखिए, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो जो स्थापित चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी उनसे बचने की कोशिश करती नजर आती है और नए लोगों को ही मौका देने की कोशिश करती है। दरअसल नए लोगों को चाहे हमने राजस्थान में देखा, चाहे हमने इससे पहले मध्य प्रदेश में देखा, नए स्थापित जो चेहरे हैं उनसे बचने की कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की जो उदाहरण है वो देखने को मिले कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देती है और नए चेहरों को मौका देने का फायदा ये है कि वो अपनी जो है स्थापित जो सोच है उसके हिसाब से राज चलाने की कोशिश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप और संगठन के लोग जिस तरीके के फैसले करते हैं उन्हीं के अनुरूप जो है वो प्रदेश में सरकार चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में मिलती है जिनका अपना बहुत बड़ा वजूद चाहे ना हो, लेकिन संगठन का वजूद जो है संगठन के वजूद के सहारे, पार्टी के संगठन के सहारे ही जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिकता मिलती है। जो बड़े राज घराने हैं या जिनका अपना एक कह सकते हैं कि राजनीतिक कद है, ऐसे लोगों को बीजेपी बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर नहीं रखती है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो और चाहे वो अन्य प्रदेशों की जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति देखने को मिलती है। इसी तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, अपने चेहरे की अपनी हस्ती से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के नए लोगों को मौका देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती नजर आती है। चलिए बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी उसका नाम काट देती है जिसका नाम चलता है, मोहनलाल बडोली ने बड़ा बयान दिया, लेकिन अब किस तरीके से आगे के समीकरण बनेंगे, किस तरीके से परिस्थितियां बनेंगी, क्या कुछ होगा राज्यसभा सीट को लेकर देखना बेहद दिलचस्प होगा।